अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एक ब्लैक बना रही है। होटल मैनेजमेंट वाले दिखाऊं किसी को, कोई क्या बोलेगा। आज मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल के बाद मैं साइकिल चला तो ला गोलगप्पे हो रही है। गोलगप्पे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। अभी अभी सो के उठा हूँ, मस्त नींद आई थी और थोड़ा तबीयत भी खराब हो रखी है, पता नहीं कैसे कोल्ड टाइप में हो रहा है अभी। या तो शादी से आए, वहाँ पे इतना नाचे हैं और मतलब डांस करते हैं, फिर पानी वगैरह पी लिया तो हो सकता है उसकी वजह से होगा, या फिर मौसम चेंज हो रहा। तो अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एक ब्लैक टी बना ली जाए, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे है नहीं, मम्मी कहीं अभी डॉक्टर के यहाँ पे, मम्मी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है और ऑलमोस्ट जितने भी शादी से आए हैं या फिर जो वहाँ पे थे सबकी ऑलमोस्ट तबीयत खराब ही है, और मेरे को तो कोल्ड हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो दिक्कत सी हो रही है। फिलहाल सोच रहा हूँ भी ब्लैक टी बना लूँ अपने लिए, थोड़ी वही ज़्यादा सही रहेगी ब्लैक टी, क्योंकि दूध वगैरह तो पीने का दिल ही नहीं कर रहा, पीऊँगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी कफ वगैरह में, तो फिलहाल अभी वही बनाता हूँ ब्लैक टी वगैरह ही। वैसे मस्त अपनी चाय तो बनी रही है, बट मैं सोच रहा हूँ चीनी ना डाल के इसमें डालता हूँ आज मैं गुड़, तो गुड़ ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि चीनी इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, एकदम बेकार बेकार कर देती है, बट कफ में गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं इसमें गुड़ यूज़ कर रहा हूँ तो बढ़िया रहेगा, और सबसे बढ़िया ये है कि अगर गुड़ की चाय बनाऊँगा तो मतलब दूध में बनाऊँगा तो फट जाता है, बट अगर ब्लैक टी वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें इतनी जल्दी ये मतलब कुछ ख़राब भी नहीं होता, इसका बढ़िया बनती है क्योंकि पानी है तो इसमें फटेगा क्या, दूध तो फट जाता है काफ़ी जल्दी। तो फिलहाल कुछ इस तरह से बन रही है, और इसमें थोड़ी सी अपना मैं ऐड कर दूंगा अदरक, तो मस्त अपना फ्लेवर हो जाएगा। बाकी और देखता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। हाँ तो फिलहाल अभी अदरक ही डालता हूँ इसको, अदरक को इसमें कूटता हूँ। भाई साहब मस्त बनाई मैंने अपने लिए चाय, और अब पी जाएगी, देखता हूँ कैसी बनी, अच्छी भी है कि नहीं है। इतना बेकार वाली है, दूध ना पड़ता, गुड़ की बनाई मैंने, कड़वी हो गई है तो लग रही है जहर की तरह। अरे पत्ती कम ही गिरी है मैंने, इसमें वो मिलाया मैंने, क्या मिलाया, गुड़ मिलाया मैंने, गुड़ गुड़ से चाय इतनी हो गई है। अरे गुड़ सी गुड़ ही होगा ना ये, और क्या है। होटल मैनेजमेंट वाले दिखाऊं किसी को, कोई क्या बोलेगा। अरे चलो चार दिन की पत्ती है, एक बार की चाय में खत्म। अरे कई दिन बाद बनाई है मैंने तो, इस वजह से हो गया। कई दिन बाद तो होटल वाले मारेंगे ना तुझे, इसीलिए तरफ बुला रहे। चलो यार ये तो हम तो भाग के आए, मैं कल चाय मिलेगी बढ़िया। चलो तुम ही बनाओ, मैं चाय ना बना रही, मैं खाना बनाऊंगी। ये मम्मी बना दो यार, नहीं रोटी बना रही, नहा ले रोटी। यार मैं सोचा था चाय बन गई, अरे तो मैंने इसलिए डाला ना कफारा, मेरे को इसे फेंक ही दो, तुम कभी दोबारा कड़वी कर दो भाई, गुड़ की चाय मत बनाना बेकार है, रिस्क लेना अपनी जान को। अरे यार होटल में पता क्या है, वहाँ ऐसे हाथ से ऐसे करके डालते हैं, उसमें क्वांटिटी अब कम हो ज्यादा हो कुछ वो फर्क नहीं पड़ता, अब घर में वही आदत पड़ गई है, अब क्या करो, छूटती नहीं है यार। पहली बात तो है तो तुम्हें बना के पिलाई ना, अच्छी ना बनाता मैं बताओ तुम, पत्ती भर है बहुत ज्यादा, कड़वी का है चाय। अरे वो आदत पड़ गई है ना कड़क बनाने की चाय, तो घर में कड़क पीने है। चलो कोई ना, तो अब तुम बना के दिखा दो कैसे कड़क पीएंगे, तो बेटा चल गया काम। चलो तुम बना दो, मर जाऊंगा चार दिन में, रामदेव बाबा वैसे बना कर चाय जो है, चाय मत पियो। इसलिए तो मैंने इसमें दूध ना मिलाया, कुछ ना तो इतनी सारी डाली, दस दिन की। एक होटल मैनेजमेंट वाले शेफ को चाय बनाने, लो जी भैया आ गई हमारी चाय बन के तैयार, है अरे मैंने सोचा गुड़ से अच्छी बन जाएगी, मैंने दूध ना डाला उसमें मैंने इसलिए, लेकिन वो ऐसा हुई कड़वी जहर की तरह। कैसी बनी चाय, ये अच्छी बनी है भाई,
तभी तो कहते हैं माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का ही होता है। शुक्रिया, चेयर्स। आज मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल के बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ भाई, ये लगा लो जब मैं स्कूल में था, जब चलाता था 9-10 क्लास में, उसके बाद में आज मेरे को साइकिल मिली है, तो आज निकला हूँ मैं घूमने के लिए और ऐसे ही निकला था बस। ये देखो ऐसे ही चलता जा रहा हूँ बस में, लेकिन मज़ा अलग ही है भाई साइकिल चलाने का, बड़ा अच्छा फील होता है, जो अपनी पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने का मौका मिल गया। ये देखो गोलगप्पे, खांसी हो रही है तो क्या हो गया, गोलगप्पे तो खाने बनते हैं भाई, खांसी सही हो रही दवाई साढ़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे ब्रो। हेलो, पहले मैं सोच रहा खाली मैं ही खा के आ जाऊं, एक तो लिया इनके लिए, ऊपर से कह दिया मतलब खांसी हो रही है, खांसी तो हो ही रही है और दवाई तो खानी पड़ेगी। आ जाओ खाते हैं दोनों, कपड़े रख दियो पहले, आ जाओ खा लो। हाँ हाँ चल तो सही, मस्त मस्त गोलगप्पे। होटल में सब कुछ मिलता था, बस गोलगप्पे नहीं मिलते थे, बस गोलगप्पे टिक्की ये चीज नहीं मिलती थी, बाहर से वेंडर आते थे तो इसलिए भाई लेके आए, तो खुद खा रहे हैं। हैं काली चाय तो मिलती थी। अरे यार एक बार गलत हो गई है थोड़ा ना, तुम हमेशा डायलॉग मारती रहोगी। तो ये रे भाई गोलगप्पे, गोलगप्पे खा ले, गोलगप्पे खाओ चलो, होली से पहले ही गोलगप्पे। अभी मैं और माता श्री घूम रहे हैं अपना रोड पे, और कल से भैया होली की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, कल से गुजिया वुजिया सब कुछ बनना, और फिलहाल देखते हैं कल दूध वूध बनाएंगे, कुछ ना कुछ फाड़ेंगे फूड़ेंगे, और अभी सोते हैं अपना आराम करते हैं, नॉर्मल दिन था और सोते हैं बस, बाय बाय।